बिहार में विभिन्न सरकारी विद्यालय के संविदा शिक्षकों यानी नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने बृहस्पतिवार को उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए दक्षता परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करने की उनकी जो मांग है उसको स्वीकार कर लिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यहाँ संविदाताओं से कहा है कि अब इन संविदा शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करने के लिए कुल 5 मौके दिए जाएंगे, 3 ऑनलाइन और 2 मौके ऑफलाइन दिए जाएंगे। परीक्षा पास करने वालों को ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। परीक्षा पास करना अनिवार्य है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि सरकार ने संविदा शिक्षकों यानी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए ऑफलाइन योग्यता परीक्षा आयोजित करने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है। पहले इस अनिवार्य परीक्षा को ऑफलाइन आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में संविदा पर बहाल शिक्षकों को कंप्यूटर चलाने का ज्ञान नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब उन्हें ऑफलाइन दक्षता परीक्षा के लिए 2 और मौका देने का निर्णय कर लिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में लगभग 3.5 लाख संविदा शिक्षक दक्षता परीक्षा पास करने के बाद सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। इन शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए अनिवार्य योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। अब प्रत्येक शिक्षक को दक्षता परीक्षा पास करने के लिए कुल 5 मौके, 3 ऑनलाइन और 2 मौके ऑफलाइन दिए जाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार में लगभग 3.5 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक है, जो लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा देना चाहिए। सरकार नहीं दे रही थी, लेकिन फिर अब सरकार ने इस फैसला को बदल लिया, लेकिन एक शर्त रख दी कि आपको तभी राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा जब आप पात्र सक्षमता परीक्षा को पास कर लेते हैं। ऐसे में तमाम नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन किया कि हम सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन सरकार अपने इस फैसले से नहीं मुकरी। उन तमाम शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करना है। ऐसे में आपको बता दें कि अब जो 5 मौके जो ऑनलाइन होना था उसको कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया। अब आपको दक्षता परीक्षा देना है तो अब आपको 3 मौके ऑनलाइन दिए जाएंगे और 2 मौका ऑफलाइन दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो संविदा पे बहाल नियोजित शिक्षक है, कई शिक्षक ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान नहीं है, जिसको ध्यान में रखते हुए 3 मौके ऑनलाइन और 2 मौके ऑफलाइन देने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया। अब सक्षमता परीक्षा होने वाली है, जो परीक्षा पास करके 3.5 लाख जो शिक्षक है वो राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाएगा और उन्हें प्रॉपर स्कूल मिलेगा, शहरी क्षेत्र में भी उन्हें मौका दिया जाएगा पढ़ाने में। ऐसे में दक्षता परीक्षा भी पास करना है, जिसके लिए एक फैसला आया है कि 3 परीक्षा ऑनलाइन देना होगा और 3 ऑफलाइन देना होगा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।